हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वीकेंड। तो आज है थर्ड डे ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, आज तीसरा दिन है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम वेट चेक कर लेते हैं कि आज कितना हुआ है। तो ये है 66.7। ग्रेट। सो आज का वेट है 66.7। मतलब जब हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट डे तब था 67.4 और कल था 67 और अभी जाके हो गया है 66.7। तो देखो अभी थर्ड डे है और थर्ड डे इतना रिड्यूस हुआ है। सो कल से हुआ है 3 to 4, मतलब हर दिन देख रहे हैं हम कि 300 to 400 ग्राम्स रोज कम हो रहा है। सो इट्स गुड, आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। एंड आप देख सकते हो कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क कर रही है। सो अभी बज रहे हैं 10:45 AM और मेरा टाइम बस होने वाला है। आज मेरा होगा 16 आवर्स कंप्लीट होंगे 11:30 पे, तो तब मैं चाय ले सकती हूँ। सो आई एम डन विथ माई टी। और बिगेस्ट मिथ ऑफ वेट लॉस जो मैं आपको ये बताने वाली हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मिथ टुडे। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग बोलते हैं कि हमें बेली फैट कम करना है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उन्हें सिर्फ थाइस का फैट खत्म करना है, कि और कोई चाहता है कि वो आर्म्स का फैट खत्म करना है। तो ये सब कैसे करें, मतलब जो स्पॉट रिडक्शन स्पेसिफिक किसी बॉडी पार्ट से अगर फैट कम करना है तो वो कैसे करें। सो लेट मी टेल यू अ फैक्ट कि आप कभी भी किसी स्पेसिफिक जगह से फैट कम नहीं कर सकते, स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। जब आप वेट लॉस करते हो किसी भी चीज़ से, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या कोई भी चीज़ हो, जब आप वेट लॉस करते हो तो आपका ओवरऑल फैट कम होता है। अगर आपकी हाइट के हिसाब से आपका जो वेट है वो ज़्यादा है तो वो फैट कहीं भी हो सकता है, और जब आप नॉर्मल वेट पे आते हो जो आपका होना चाहिए, आइडल वेट पे आते हो, तो चाहे कहीं का भी फैट हो वो कम होता है। मतलब पूरी बॉडी में से ओवरऑल फैट कम होता है, कभी भी स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। सो मेन चीज़ ये है कि बस आपका वेट कम होना चाहिए, वेट लॉस होना चाहिए, वो ओवरऑल बॉडी में से होगा तो आप आराम से इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपना वेट कम कर सकते हैं। कैसे करना है वो तो मैं बता ही रही हूँ। आज है थर्ड डे और बताऊँगी आज मैं लंच में क्या खा रही हूँ, तो मिलती हूँ मैं लंच में। तो आज बनाया है ये दाल चावल और फॉर सम चेंज दही बड़ा एंड पालक के पराठे और ये चटनी। सो फॉर सम चेंज आज मैंने दाल चपाती और सब्जी चावल ये नहीं बनाया है, उसकी जगह पालक के पराठे बनाए हैं बहुत कम ऑयल लगा के। मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतना ही, तो बहुत कम ऑयल लगा के मैंने पालक का पराठा बनाया है। उसके साथ मैंने चटनी बनाई है और मैंने आज बनाए हैं दही बड़े। यस, एंड दही बड़े इज़ अ गिल्ट फ्री स्नैक। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, तो आप आराम से खाने में एक या दो दही बड़े खा सकते हो, क्योंकि ये बनता है दाल से, मूंग या उड़द की दाल से बनता है, तो ये प्रोटीन होता है और साथ में दही होता है विच इज़ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन। और आप इसकी जगह पे, आप नॉर्मल दही की जगह पे लो फैट योगर्ट भी यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी जब हम दही बड़े खाते हैं, दही बड़े बनाते हैं, तो उसमें हम दही को थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा पतला करके बनाते हैं। तो अगर आप नॉर्मल फुल फैट दही भी अगर यूज़ कर रहे हो तो इतने से दो दही बड़े के लिए कितना ही दही लगता है, तो दो दही बड़े के लिए बहुत कम क्वांटिटी ही जाती है दही की बॉडी में। दही बड़े के बड़ों को फ्राई करते हैं लेकिन बाद में जब पानी में डालते हैं तो उसमें भी सारा ऑयल निकल जाता है। तो इट्स ओके टू ईट दही बड़ा। अगर आपको कुछ चेंज करना है, कुछ अच्छा खाना है, तो आप दही बड़ा खा सकते हो। एक या दो दही बड़ा इज़ टोटली ओके। तो इस तरह मैंने आज के अपने लंच के मील को थोड़ा सा चेंज किया है। तो ये था वेट लॉस क्रेविंग का हेल्दी ऑप्शन फॉर सम चेंज। आज डिनर के लिए एक्चुअली शाम को मैं बाहर हूँ, लेकिन ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जब हम लोग बाहर हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस टाइम सबसे अच्छा ऑप्शन है इडली सांभर। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आप बाहर जा रहे हो और आपको बाहर खाना पड़ रहा है। सो आई विल हैव इडली सांभर इन माई डिनर। ये था थर्ड डे इंटरमीडियंट फास्टिंग फॉर ईजी वेट लॉस का वीडियो, और जिसमें मैंने वेट लॉस से रिलेटेड एक मिथ भी बताया
और अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए हेल्दी ऑप्शन भी बताया। यही बोलूंगी कि इसमें आपको टाइम का ध्यान रखना है और पोर्शन का ध्यान रखना है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में।